कोविशील्ड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के छुई खदान विकासखंड के 8 केंद्रों में कर दिया गया है। बीपीएम ब्रजेश ताम्रकार और डॉक्टर मनमोहन जंघेल ने बताया कि आज प्रारंभ किए गए वैक्सीन टीकाकरण का 1200 का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका व मितानिन आदि शामिल है। टीकाकरण सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित किया गया। उदयपुर हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जितने भी स्टाफ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें टीकाकरण किया गया। इस क्रम में सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन जंघेल को वैक्सीन का टीका लगाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों को किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। विश्वव्यापी महामारी को देखते हुए कोविड वैक्सीन का टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि आज यहां प्रारंभ की गई वैक्सीन टीकाकरण का 91 लोगों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन आदि मिलाकर कुल 91 लोग शामिल हैं। राजनांदगांव से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर बताइए वैक्सीन के बारे में, आज उदयपुर जो हॉस्पिटल में आज वैक्सीन का यहाँ पे शुभारम्भ हुआ है, और मेरा ख्याल है सबसे पहला वैक्सीन टीका आपने लगवाया, एक यहाँ के आप डॉक्टर हो और सबसे पहले आपने लगवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। आज जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर के अंतर्गत जो जितने भी हमारे स्टाफ के कार्य स्टाफ हैं और फील्ड के कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी हैं, मितानिन हैं, इन सबका आज वैक्सीनेशन हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर में हो रहा है, और जिसमें मैं आज मेरा प्रथम सौभाग्य है मेरा कि पहला वैक्सीन मुझे कोविड का प्राप्त लगा। अच्छा, ये भी क्या है कि लोग वैक्सीन लगाने से डर क्यों रहे हैं, कि इसका साइड इफेक्ट कुछ है? नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक, तो जितने भी राजनांदगांव जिले में जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, पहले राउंड में जो है आपका 4 जगह में जिले में वैक्सीनेशन हुआ, तो उसमें किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और यहाँ भी देखिए मैं भी खुद अभी वैक्सीन लगवा के आया हूँ, कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। क्या लोगों को लगवाना चाहिए वैक्सीन? बिल्कुल लगवाना चाहिए, यही एक रास्ता है सेफ रहने के लिए, है ना, वैक्सीन जरूरी है, उसके साथ में मास्क और हैंड सैनिटाइज भी करना। उदयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी उदयपुर कितने का लक्ष्य टीकाकरण है? यहाँ 91 का आज का लक्ष्य है, मतलब ये टोटल अभी जो कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी और मितानिनों का 91 लोगों का लगा। अभी तक कितने लोगों को लग चुका होगा? अभी तक 22 लोगों को लग चुका। 22 लोगों को किसी को यानी अगर ये बोला जाए कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोगों को से कोरोना का दिल से दहशत निकल चुकी है, जो दहशत बनी हुई थी वो अब लोगों के दिलों में नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। डर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है अभी भी, है ना, जिनके परिवार में किसी का डेथ हुआ है उन्हीं को सब उनको पता है कि कोरोना क्या होता है ना, बाकी तो लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी आ गई है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को लग रहा है कि कोरोना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन है अभी भी बहुत वर्ल्ड वाइड ये परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। अपना नाम और पूरा पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर मनमोहन जंघेल आर एम ए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.